भारत अपनी जरूरत का 80% फ्यूल बाहर से आयात करता है, जिसकी वजह से देश का इंपोर्ट बिल काफी वजनदार होता है और देश के राजकोषीय घाटे पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। अब इस स्थिति को बदलने का काम चल रहा है। एशिया के दो सबसे अमीर लोग मुकेश अंबानी और गौतम अडानी इस पर काम कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी में निवेश को दोनों देश को दुनिया का सबसे ग्रीन एनर्जी हब बनाने में जुटे हुए हैं। मुकेश अंबानी ने तो इस सेक्टर में 75 अरब डॉलर यानी 5.62 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने की घोषणा भी कर दी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर मुकेश अंबानी का क्या प्लान है। हाइड्रोजन बनाने पर जोर दे सकते हैं मुकेश अंबानी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट से भारत हाइड्रोजन प्रोडक्शन में दुनिया का हब बन सकता है। ग्रीन एनर्जी के लिए मुकेश अंबानी ने 75 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान भी कर दिया। जानकारों के अनुसार कंपनी हाइड्रोजन प्रोडक्शन पर फोकस कर सकती है। ग्रीन हाइड्रोजन पानी और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी से तैयार होती है और इसे फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा भी जा रहा है। हाइड्रोजन में फ्यूचर देख रही है कंपनी। जी हां, आपको बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज अब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। यही वजह है कि मुकेश अंबानी हाइड्रोजन में फ्यूचर देख रहे हैं। CEEW में सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस के डायरेक्टर गगन सिद्धू का कहना है कि रिलायंस ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी की पूरी वैल्यू चेन को अपने हाथ में लेने की तैयारी में है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्सर्जन की समस्या से निपटने के लिए अहम माना जा रहा है। वैसे रिलायंस के चेयरमैन ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि 75 अरब डॉलर से कितना हिस्सा हाइड्रोजन प्रोडक्शन में यूज होगा। आपको बता दें कि अडानी एंटरप्राइजेस NTPC और IOC भी ग्रीन हाइड्रोजन पर काम करने की प्लानिंग कर रही हैं। हाइड्रोजन पर पूरा फोकस करने वाले देशों की संख्या अब 2 गुनी होकर 26 हो गई है। कैसे होगा पूरा टारगेट? जी आपको बता दें, मौजूदा समय में सेक्टर एक्सपेरिमेंटल फेज में है और इस कमर्शियल व्यवहारिक बनने में थोड़ा समय लग सकता है। देश को पूरी उम्मीदें मुकेश अंबानी और गौतम अडानी पर टिकी है। इसमें सबसे बड़ा रोल है प्रोडक्शन कॉस्टिंग में कमी लाना है। अंबानी ने $1 प्रति किलो के भाव पर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करने का टारगेट रखा है, जो मौजूदा लागत से 60% कम है। जानकारों की माने तो इस लक्ष्य को पाने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर्स की कीमत में भारी कमी की जरूरत होगी। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए इस इक्विपमेंट की जरूरत होती है। इसके अलावा 80% से ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की जरूरत होगी और हर घंटे 3 सेंट प्रति किलोवाट से भी कम कीमत पर बिजली सप्लाई चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।